नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। दोस्तों हमारी जो हिंदी परिज्ञान यूपी ट्रिपल एस सी हिंदी परिज्ञान की जो सीरीज चल रही थी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसके अंतर्गत हमने कहा था कि आपको बहुमूल्य 250 प्रश्नों की सीरीज मिलेगी, तो पार्ट वन मैंने कल अपलोड किया था। आप छात्रों ने काफ़ी उसको देखा, सराहा, काफ़ी आपके लाइक्स मिले। तो आज इसकी जो सीरीज है, देखिए हम 50-50 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। तो एक आज सीरियल नंबर 51 है, देखिए 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। पुराना वीडियो आपने ना देखा हो कल का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, जिसमें से जो 250 में क्वेश्चन आपको कराऊंगा, यही इसी में से आपको 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है, जो बीत चुका हो दोस्तों, जो बीत चुका हो तो उसे कहा जाता है आपका अतीत, ठीक है। जो बीत चुका हो उसके लिए एक शब्द की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होगा अतीत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जो दिखाई ना पड़े। अब दोस्तों जो दिखाई नहीं पड़ता है उसके लिए एक शब्द होगा अदृश्य, ठीक है, अदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं, जिसे भुलाया ना जा सके, ठीक है, जिसे भुलाया ना जा सके तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आपका बनेगा अविस्मरणीय, ठीक है। जो भुलाया नहीं जा सकता वो क्या होता है, अविस्मरणीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई दे, जहाँ पर पृथ्वी और आकाश का जैसा लगता है कि मिलन होता दिखाई देता है, तो उस स्थान को दोस्तों कहा जाता है क्षितिज, ठीक है, क्षितिज बोला जाता है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट मैं आप लोग को लेकर आया हूँ, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऐसे क्योंकि वीडियोज़ आपको मेरे चैनल मिलती है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम अपने दोस्तों मित्रों में भी शेयर जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें ममता ना हो। तो दोस्तों जिसमें ममता नहीं होती है, जिसमें ममता नहीं होती है तो उसको कहा जाता है निर्मम, ठीक है, निर्मम, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो नीचे लिखा गया हो। अब दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के पेपर में आता है कि जैसे जो नीचे लिखा गया है तो उसके लिए क्या होता है, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित जिसको बोला जाता है कि नीचे लिखे हुए को कहा जाता है निम्नलिखित। आगे बढ़ते हैं, देखिए जानने की इच्छा रखने वाला। चलिए एक क्वेश्चन एज ए होमवर्क मैं आप छात्रों को देता हूँ हर वीडियो में, तो जानने की इच्छा रखने वाले का आप आंसर करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा, क्या जानकार होगा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या प्रकांतर। चलिए बड़ा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका वर्णन ना किया जा सके। अब दोस्तों जिसका वर्णन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर होगा दोस्तों वर्णनातीत, ठीक है, वर्णनातीत होगा, ठीक है, जिसका वर्णन ना किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कभी नहीं मरता। तो दोस्तों जो कभी नहीं मरता उसके लिए एक शब्द होता है अमर्त, ठीक है, एक। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जो ऊपर कहा गया है, जिसको ऊपर कहा गया, अभी हमने कहा देखा कि जैसा कि निम्नलिखित होता है तो ऊपर की ओर जो कहा जाता है उपर्युक्त, ठीक है, उपर्युक्त कहा जाता है उसको, जो ऊपर कहा गया हो उसको कहा जाता है उपर्युक्त। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। जो केवल फल खाकर रहता है, अब दोस्तों जो केवल फल खाकर रहता है उसे कहा जाता है फलाहारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए क्या है, डी, फलाहारी। जिसकी सीमा ना हो, ठीक है, जिसकी सीमा ना हो तो दोस्तों जिसकी सीमा नहीं होती है उसको कहा जाता है असीम, ऑप्शन नंबर ए, असीम बोला जाता है उसे एक शब्दों में। आगे बढ़ते हैं, गोद में सोने वाली स्त्री। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर गोद में सोने वाली स्त्री, इस प्रकार से भी हिंदी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे हिंदी साहित्य में, ऐसे और ग्रामर पोर्शन की बात करें तो ऐसे भी सेक्शन वहाँ बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, अंक साइनी, ठीक है, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होगा अंक साइनी, अंक मतलब गोद, ठीक है, साइनी मतलब सोना, तो यहाँ पर क्या होगा, अंक साइनी। जो शत्रु की हत्या करता है, यहाँ पर देखिए जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों होगा शत्रुघ्न, ठीक है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे एक शब्द में अगर हम परिभाषित करें तो वो होगा शत्रुघ्न। हिसाब किताब की जांच करना, अब दोस्तों हिसाब किताब की जांच करना एक शब्द क्या बनेगा इसके लिए, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, अंकेक्षण, ठीक है, अंकेक्षण, हिसाब किताब की जांच करने के लिए एक शब्द बनेगा आपका अंकेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरण पाने की इच्छा रखने वाला। अब दोस्तों शरण पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर सोचिए, थोड़ा समय ले रहा हूँ, समय लेकर बताऊँगा क्योंकि ये टेस्ट आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि आप अपने सब परीक्षा में 100% सफल हो सके, अच्छे मार्क्स पाकर मेरिट में। शरण पाने की इच्छा रखने वाले का दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ राइट आंसर है दोस्तों आपका शरणार्थी, ठीक है, शरण पाने की इच्छा रखने वाले, जैसे कहते हैं ना शरणार्थी,
तो यहाँ पर ये राइट आंसर आपका बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबके हृदय की बात जानने वाला, तो दोस्तों सबके हृदय की बात जानने वाला जो होता है उसे कहा जाता है अंतर्यामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसे कठिनाई से धारण किया जा सके, जिसे कठिनाई से धारण किया जा सके उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक शब्द बनेगा आपका दुर्वह। ठीक है, याद रखिएगा दुर्वह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दुर्वह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा जिसे कहा जाता है यहाँ पर देखिए दंपत्ति। ठीक है, पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को एक शब्द की अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है दंपत्ति। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला तो उसको दोस्तों कहा जाता है अंडज, ऑप्शन नंबर सी अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला। दूसरा पद या उक्ति या रीत्यानुसार किया गया पद पाठ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा शब्दों में क्या कह रहा है। दूसरा पद या उक्ति या रीत्यानुसार किया गया पद पाठ को क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, तो दोस्तों वो कहलाता है आपका अंत्याक्षरी। ठीक है, उक्ति या रीत्यानुसार किया गया पद के पाठ को कहा जाता है आपका अंत्याक्षरी। आयु में बड़ा व्यक्ति, आयु में बड़ा व्यक्ति तो उसे कहा जाता है दोस्तों ज्येष्ठ। ठीक है, आयु में जो बड़ा व्यक्ति होता है उसे ज्येष्ठ कहा जाता है। यहाँ पर वरिष्ठ मत समझिएगा, वरिष्ठ का तात्पर्य वहाँ से निकलता है जब आप किसी जॉब में हो या कैसे हो तो कहते हैं कनिष्ठ हैं, ये सीनियर हैं, ये जूनियर हैं, किसी क्लास की बात करें, लेकिन जब आयु की बात आती है तो वहाँ पर ज्येष्ठ होता है। ठीक है, ये ज्येष्ठ होता है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या इस प्रकार क्वेश्चन आपने पढ़े हैं। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा उसको कहा जाता है अंतःकथा। ठीक है, अंतःकथा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमेशा रहने वाला, हमेशा जो रहने वाला होता है तो दोस्तों उसको कहा जाता है शाश्वत। ठीक है, शाश्वत बोला जाता है। जिसे गोद में स्थान मिला हो, तो जिसे गोद में स्थान मिला हो उसके लिए एक शब्द होगा दोस्तों अंकस्थ। ठीक है, अंकस्थ होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। वह प्रेरणा जो मन में स्वतः उत्पन्न होती है, तो मन में जो स्वतः उत्पन्न होने वाली प्रेरणा को दोस्तों बोला जाता है यहाँ पर देखिए अंतः प्रेरणा। ठीक है, अंतः प्रेरणा। जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो तो उसको कहा जाता है दोस्तों सुग्रीव। ठीक है, सुग्रीव, जिसकी गर्दन सुंदर हो। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, तो दोस्तों जो मन में स्वाभाविक ज्ञान होता है वो होता है अंतर्ज्ञान। और दोस्तों किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगे तो भी कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन भी देखा जाएगा। पलकों को गिराए बगैर, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पलकों को गिराए बगैर उसे कहा जाता है यहाँ पर एक शब्द की बात करें तो निर्विमेश। ठीक है, पलकों को गिराए बगैर निर्विमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देश के अंदर होने वाला या उससे संबंधित, तो दोस्तों जो देश के अंदर होता है या उससे संबंधित होता है तो यहाँ पर होता है अंतर्देशीय। ठीक है, अंतर्देशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्र अथवा प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा रखने वाला, तो पत्र या कोई प्रश्न है किसी ने किया उसके उत्तर की अपेक्षा रखने वाले को यहाँ पर दोस्तों एक शब्द में बोला जाएगा उत्तरापेक्षी। ठीक है, उत्तरापेक्षी। जो तृप्त नहीं हुआ हो, तो यानी जो तृप्त नहीं हुआ हो उसके लिए कहा जाएगा अतृप्त। आगे बढ़ते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, तो दोस्तों जो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि होती है उसको कहा जाता है एक शब्दों में अधिनियम। ठीक है, अधिनियम। जिसकी थाह लगाना कठिन हो, जिसकी थाह लगाना कठिन हो यहाँ पर दोस्तों होगा अथाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अथाह। हर काम को देर से करने वाला, तो दोस्तों हर काम को जो देर से करने वाला होता है उसके लिए एक शब्द होगा यहाँ पर दीर्घसूत्री। ठीक है, दीर्घसूत्री। हर काम को देर से करने वाला उसके लिए होगा आपका दीर्घसूत्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, दोस्तों जिसकी तुलना नहीं की जा सकती उसके लिए एक शब्द होगा अतुलनीय। दो पर्वतों के बीच की भूमि, तो दोस्तों जो दो पर्वतों के बीच की भूमि होती है उसे कहा जाता है आपका उपत्यका। ठीक है, उपत्यका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपत्यका। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दो ही तीन क्वेश्चन आपको आने वाले हैं आपके जो हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत, तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इन 250 प्रश्नों में। जिसका निर्णय न हुआ हो, जिसका निर्णय न हुआ हो तो दोस्तों उसको एक शब्द की अगर हम बात करें कहा जाएगा अनिर्णित। ठीक है, जिसका निर्णय न हुआ हो। जो आँखों के सामने घटित ना हो, ठीक है, जो आँखों के सामने घटित नहीं होता है उसे कहा जाता है दोस्तों परोक्ष। ठीक है, जो आँखों के सामने नहीं घटित होता उसके लिए कहा जाएगा परोक्ष। ठीक है,
परोक्ष रूप से, या जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष आंखों के सामने और परोक्ष रूप से, तो यहाँ पर ये होता है जिसका पार ना पाया जा सके। तो दोस्तों जिसका पार ना पाया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अपार, ठीक है, अपार, जिसका पार ना पाया जा सके, जिसकी आलोचना की जाए। अब दोस्तों जिसकी आलोचना की जाती है उसे कहा जाता है, एक शब्द में बात करें तो आलोच्य, ठीक है, उसे कहा जाता है आलोच्य बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। भावुक हृदय में सुख दुख की महज कोमल अनुभूति, तो दोस्तों भावुक हृदय में सुख दुख की जो महज कोमल अनुभूति है उसके लिए एक शब्द यहाँ पर बनेगा संवेदना, ठीक है, संवेदना, ध्यान रखिएगा संवेदना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, वह भूमि जो उपजाऊ हो, तो दोस्तों जो उपजाऊ भूमि होती है उसे कहा जाता है उर्वरा, ठीक है, उर्वरा बोला जाता है। निश्चित समय में पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जैसे मान लीजिए किसी कार्यालय में कोई पत्र भेजा गया, उसका उत्तर नहीं मिला, तो उसके बाद जो दूसरा भेजा गया जिसको रिमाइंडर कहा जाता है उसको कहा जाएगा अनुस्मारक, ठीक है। तो पत्र लेखन से भी यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार के बनेंगे, तो पत्र लेखन भी हम आप देखेंगे मिलकर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, अनुस्मारक, जिसे रिमाइंडर लेटर कहा जाता है। जिसका संबंध अग्नि से हो, तो दोस्तों जिसका संबंध अग्नि से होता है उसको कहा जाता है एक शब्दों में आग्नेय, ठीक है, आग्नेय। जो किसी का हित चाहता हो, तो दोस्तों जो किसी का हित चाहता है उसे कहा जाता है हितैषी, ऑप्शन नंबर बी हितैषी। ऊपर चढ़ने वाला, ऊपर चढ़ने वाले के लिए एक शब्द होगा दोस्तों आरोही, ठीक है, आरोही। ईर्ष्या के योग्य, तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा, ईर्ष्या के योग्य क्या होता है, ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या के योग्य ईर्ष्या। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए 99 पे, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे कहा जाता है दोस्तों देशद्रोही, ठीक है, देशद्रोही की संज्ञा उसे दी जाती है। अचानक घटित होने वाला, अब दोस्तों जो अचानक घटित होता है उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कहते हैं आकस्मिक, ठीक है, अचानक घटित होने वाले के लिए आकस्मिक कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का पार्ट टू, 250 बहुमूल्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सीरीज का पार्ट टू है। पार्ट वन ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ से काफ़ी बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों आपकी सीरीज जारी रहेगी, 250 बहुमूल्य क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बने वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हो सके तो मैक्सिमम शेयर करिए, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट ही देखिए काफ़ी बहुमूल्य होते हैं मेरे लिए, फीडबैक का काम करते हैं, और किस प्रकार से और भी आगे आपको अच्छे से वीडियो यहाँ पर देना है वो भी मुझे इसकी प्रेरणा मिलती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद।